मेरा फहीम सर से क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो इंडियन लड़की से शादी करते हैं तो आप इंडियन लड़की से शादी करेंगे या पाकिस्तानी लड़की से नहीं और कोई ऑप्शन है आपके पास किसी को <laughs> नहीं वो ज़्यादातर जैसे हसन है शेयब है तो उन्होंने इंडियन लड़की से शादी की है ना तो इनका जवाब ना थोड़ा डिटेल में दे दें क्या छोटा सा जवाब पाकिस्तान पाकिस्तानी से करेंगे जो मर्जी हो जाए जो मर्जी हो जाए पहली बात होगी अब पाकिस्तान में किस इलाके से मैं हाँ मैं फूलनगर से पाकिस्तानी लड़की है और फूल नगर की लड़की है आज ये ब्रेकिंग न्यूज हमने दे दिए डन हो फूल गया फूलनगर की <laughs> हैं दुआ करो पहले पे जावे <laughs> को पसंद की थी ये कार वाले ने कार वाले लगे हुए ने बस लगे हुए ने तो एक को मैं रिश्ता आंटिया का नंबर दवा अबू नो मेरे नॉलीवुड को से कोई ऑफर आई है नहीं 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 आई जो मर्जी हो जाए करनी घर वालों की मर्जी क्या प्यार मोहब्बत में पाड़ के माँ बाप से उनके लिए क्या पैगाम है आपका क्योंकि आप एक सक्सेसफुल मिच्योर लड़की हैं जो इस सुमन में भी आके कह रहे हैं करूंगा तो घर वालों की मर्जी से करूंगा एक पाकिस्तानी से करूंगा फूल नगर की लड़की से करूंगा क्या आप मैसेज देना चाहिए जी सबसे पहली बात माँ बाप दोबारा नहीं मिलते बिल्कुल ठीक और दूसरी बात हम लोग जो उनके आगे जिद कर देते ना कि मैं अपनी मर्जी करनी है कल को इन्हीं लड़कों ने भी माँ बाप बनना है इसने भी बाप बनना है और कल अगर इनके बच्चे इनके साथ करेंगे तो क्या होगा अम्मा मैं घर आ रहा हूँ जो लड़की आपको पसंद है मेरी तरफ से हाँ है <laughs> मेरी आंखें खोल दी लो लो कर, <laughs> लो कर दो भाई ने आज आंखें खोल दी ऐशो बाकी जा रहा है, <laughs> भाई। यार है। भाई। थर्ड मैच में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक की कितने दिन कितने हफ्ते आप तो मेरे वर्ग का बंदा हो तो यही सोचता रहे यार मैंने कमाल भी कर दिया वैसे सुबह उठ के कहते थे पूरे आपको मतलब बड़ी थर्ड मैच में हैट्रिक एक दम मार जगह रहा फीम रहा फीम क्या मोमेंट था वो वो मोमेंट ऐसा था कि मैं ओवर मुझे ओवर नहीं था मिलना ठीक है अनशनवारी जो अनफिट हुआ है ठीक है तो सफी भाई ने बोला कि राणा जी ओवर करना है दो आउट हुए हैं तो इमाद इमारसी मेरे साथ खड़ा है कि राणा अपनी लेंथ पे मारना आउट हो जाएगा जो वो आउट हुआ है, आज भी पिक्चर्स वो मेरे पास पड़ी है सैफी भाई जब मेरी गोद में आ गया वो मुझे पिक्चर याद है उसके बाद नहीं उसके बाद मतलब लोगों से पता चला है कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से पहला मैं बॉलर हूँ जिसने हैट्रिक किया है तो वे ऐसा मोमेंट होता है जैसे आप क्या कह लें जैसे आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं या ये जो मोमेंट है ये मोमेंट ऐसे है कि आप अगर वहाँ पे उसको रिकॉल करें ना वो वापस आपके ना माइंड में आ जाते हैं आपके आंखों के सामने आ जाते हैं कि यार ऐसे लगता है आप उसी दिन में वहाँ उसी जगह पर पहुंच चुके हैं तो वह ऐसे मूवमेंट है कि वो जो आपकी जिंदगी में ना स्पेशल जो मोमेंट होते हैं उनमें से एक मोमेंट मूवमेंट उनमें से एक मोमेंट है और जो इंसान को हमेशा याद रहता है ऐसे ही है क्या बात राणा साहब आपको गाड़ियों का भी शौक है और हमने ये देखा है कि जब आप गाड़ी लेते हैं उसी रंग की आप शर्ट भी ले लेते हैं एक ये क्या कहानी है ये बस मैचिंग हो जाती है ये नहीं है कि मैं खुद से ये कुदरत कुदरत का निजाम है खुदृत माशाला। खुदृत माशाला। खुदृत माशाला। खुदृत ये मैचिंग हो जाता है मैचिंग हो जाती है अच्छा अगली दिखाई ये नहीं है कि मैंने शर्ट स्पेशल शर्ट हो सकता है पहले की पड़ी है मेरे पास

एक और भी लोग जो करते ना इसके रिलेटेड कौन सी गाड़ी रखी हुई है आपने जो आपने देखी है ये ये सारी तो खुद चलाते हैं या ड्राइवर नहीं मेरी कोशिश है मैं खुद रैश ड्राइवर है आप नहीं वो डिपेंड करता है कि अगर तो लेट हो रहे हैं तो नहीं तो बड़े टीम में सबसे ज्यादा तेज गाड़ी कौन चलाता है टीम में सारी लड़के तेज चलाते हैं हसन भी तेज चलाता है हम्म सारे सब भी है सबको ये होता है कि मतलब निकलते पूरे पूरे टाइम पे है तो बस टाइम बचाने के लिए जल्दी फिर कभी किसी बैठे और जान निकली तेरी मेहरबानी की फखर के साथ फखर क्यों फखर का फखर ने ना नई नई ड्राइविंग सीखी थी दो चैंपियस ट्राफी की बात, की बात है तो हम लोग ना लाहौर में कैंप लगा हुआ था वर्ल्ड एवन का अच्छा वर्ल्ड आई थी तो फखर के साथ मैं बैठ गया अब कोई गाड़ी पांच फुट दूर होती थी फखर ब्रेक लगा मैं आ गया फखर चल नहीं नहीं वो बड़ी पास है पास है जाता नहीं था उसके साथ मुझे पहली दफा बैठ के डर लगा था बस नहीं नहीं तो आप बैठे क्यों क्योंकि नए ड्राइवर के साथ मुझे नहीं था आइडिया ना मैं फखर मैंने कहा फखर वहां से गाड़ी ले आया तो यहां भी भी चला लेगा <laughs> दोस्ती प्रोफाइल हमारा एक सेगमेंट है हम आपके कुछ दोस्तों के नाम लेंगे और आपने उनकी एक दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो आपको उनके बारे में है या जो आप उनको जितना जानते हैं पहला कौन है जी मेरा नाम आसिफ अली आसिफ अली है पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं जरा ये जो हसी है ना ये नहीं नहीं बताना पड़ेगा बताना नहीं, पड़ेगा। यार नहीं 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 नहीं, नहीं, ये आसिफ भाई का एक नाम ना शुरू से जो फैसलाबाद में जो मशहूर है जड़ा मैं नहीं जो इसको आसिफ आडा कहते थे शुरू से आटा आडा आडा आसिफ आडा आसिफ आडा लड़ाके ने नहीं नहीं वो शरीफ बंदे रहे हसन जो है वो इसको लेकर लेता बड़ा मीस है ठीक अच्छा, है यार आजिफ भैया की कह रहे थे यार ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब जब कोई कहता है कि सही फील्डिंग आसफ हाँ <laughs> गुस्सा कर जाते फील्डिंग भी सही कर आसफ सही अच्छा, अच्छा, रहे। फिल्डिंग, कर कर फील्डिंग अच्छी किसी ने कहा है सही फील्डिंग कर आसफ तू कर लेना फिर है ऐसे एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है वो है इनका बेटा माशाल्लाह बेटे से बहुत मोहब्बत मोहब्बत है इनको। क्या ये हो बिल्कुल ठीक बनता है प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ प्रैक्टिस के मामले हाँ, में ठीक है ठीक है डेढ़ दो सो नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिस अपनी अच्छी वो नहीं वो इन्होंने थोड़ी ना बोला वो तो इन्होंने बना दिया खुद से लेकिन ये प्रैक्टिस अपनी अच्छी करते हैं अच्छी करते क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है वो इनका शौक है इन्वेस्टमेंट करना है किधर कर प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में तो यार आसिफ भाई को सानू भी दसो सूसो प्रॉपर्टी आजकल आज जा रही है किड़ी थले जा रही है भी माल को यार मेरी प्रोड्यूसर तो आसिफ भाई से बिजनेस सेवाए ठीक है मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता बातें बातें नहीं शेयर करते नहीं बातें नहीं शेयर करते क्या आप कोशिश करते निकलवाने की नहीं हमें पता है आसिफ भाई इनका ये होता है कि मैच खत्म हो जागे कमरे में और क्या आसिफ भाई खाना खा लो और मैं रहा <laughs> इनको पास बैठा लो बातें कर लो आसी भाई चुप करके सुनी जाएंगे मेरे जैसे बस तो ऐसा बंदा भी ठीक है जाए सही जा, है ना अगो जवाब ही नहीं देगा सुनी कहता नहीं होगा तो सुनना ही है इसको भी कुछ तो बोलता कौन है ज्यादा टीम में हसन हसन बहुत बोलते हैं अब बड़े शुक्रिया उनका डांस भी बहुत सिकेदा हसन बस कर जा यार कट बोलिया कर नहीं वो कहते नहीं क्या बात अगला कौन है जी मेरा नाम फखर पर टीम में सारे मुझे फोजी। फोजी कहते हैं है। ग्राउंड वो है हसन को तंग किए बगैर अच्छा अच्छा वेरी गुड तो तंग करते कैसे हैं उनको? नहीं और रहने <laughs> <laughs> हम, मतलब हम सब में ना हाइट में छोटा तो इस वजह से उसको ज्यादा तंग करते कैसे